नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। जय श्री राधे। आपके ही नहीं, सभी के मंदिर में गणेश जी भी होते हैं, लक्ष्मी जी भी होती हैं, गुरु जी भी होते हैं, कुछ संत भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं। तो इसमें जो भावना होती है भोग की, वो यह भावना होती है कि हम जो भी भोग लगाते हैं वो अपने गुरु जी को देते हैं। हे गुरु जी, मैं ये भोग लगा रहा हूँ, ये भोग आप ठाकुर जी के पास, मेरे इष्ट, वो आपके इष्ट राम हो या कृष्ण हो या प्रीतम हो, सीताराम हो, मेरे इष्ट के पास पहुंचा दीजिए और उनको भोग लगा के सब देवताओं में भोग बांटिए और आप लोग संत लोग जो बैठे हुए हैं सब वो प्रसाद पाइए। तो भाव ये होता है कि भोग आप अपने इष्ट को ही लगा रहे हैं। वहां जो पूरी संतों की बारात है, गुरुदेव हैं, दूसरे लोग हैं, उनको तो प्रसाद मिलना है यथा योग्य उनकी स्वरूप के हिसाब से। भोग केवल इष्ट को लगाया जाता है। राधा रमन जी आपके इष्ट हैं तो राधा रमन जी गुरुदेव को दीजिए। आपकी खुद की भी ताकत नहीं कि आप राधा रमन जी तक भोग पहुंचा सके, अपने गुरुदेव को दीजिए, गुरुदेव राधा रमन जी तक पहुंचाएंगे। ये गुरुदेव का काम है राधा रमन जी से भोग लगा के वो फिर हनुमान जी को देंगे, गणेश जी को देंगे, लक्ष्मी को देंगे, फिर बड़े बड़े संतों को देंगे, फिर छोटे संतों को देंगे, सबको वो भोग लगेगा। यह भावना आप रखेंगे तो तुलसी छोड़ने में कोई मनाही नहीं है। और तुलसी तो छोड़े बिना भगवान भोग लगाते ही नहीं है। इस भावना को सदैव ध्यान रखें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके गुरुदेव ही ना हो, अभी आप अधीक्षित हो, तो आपके मंदिर में कोई ना कोई आपके शिक्षा गुरु हो, आपके पिता हो, या आपके ऐसे कोई गुरु मार्गदर्शक हो जिन्होंने आपको भक्ति में लगाया हो, आपकी माँ हो, आपके पिता हो, आपके चाचा हो, आपके कोई वरिष्ठ संत हो, तो उनको यह सेवा दी जाती है। वे फिर भोग लगा के सबको बांट के बाद में उस प्रसाद को यथावत वहां रख लेते हैं। फिर उस प्रसाद को उठा के हम घर वाले लोग उन सब का प्रसाद ही पाते हैं। यह भावना, यह धारणा है शास्त्र की। ऐसा ही आप भावना करके भोग लगाइए, कोई अपराध नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई असमंजस दुविधा नहीं। जय श्री राधे। जय निताई। जय श्री